नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। कुंडा में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव का भौकाल इस बार पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इससे पहले कुंडा में हमेशा से ही बाहुबली राजा भैया का भौकाल रहता था, लेकिन 2022 में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव का भौकाल इस कदर छाया हुआ है कि हर जगह पर गुलशन यादव छाए हुए हैं और सभी की जुबान पर गुलशन यादव का नाम है। चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे न्यूज, हर जगह पर गुलशन यादव की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि कुंडा विधानसभा में हमेशा से ही रॉबिनहुड बाहुबली नेता राजा भैया की ही बात होती थी, लेकिन इस बार गुलशन यादव की चर्चा और उनकी बातें खूब हो रही हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ और अपने भारी भरकम समर्थकों के साथ गुलशन यादव चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और राजा भैया को मन से ललकार भी रहे हैं, जिसके चलते हर जगह पर खबर में यही हो रहा है कि आखिर कौन है गुलशन यादव जो राजा भैया को ललकार रहे हैं। कुंडा में इससे पहले राजा भैया के सामने कोई प्रत्याशी चुनाव में उतरने से घबराता था, लेकिन सपा प्रत्याशी गुलशन यादव इस कदर 2022 में चुनाव मैदान में उतरे हैं और राजा भैया को मन से ललकार रहे हैं, इसके चलते उनका भौकाल पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है और हर जगह पर गुलशन यादव छाए हुए हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते गुलशन यादव की लोकप्रियता भी बढ़ गई है। आज कुंडा ही नहीं बल्कि पूरे प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में भी गुलशन यादव का नाम चल रहा है। अब देखना यह है कि गुलशन यादव का यह भौकाल उनको जीत दिला पाता है या नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।